ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर के इंदिरा नगर पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों की समस्या को सुना। तोमर ने इस दौरान स्थानीय लोगों से पानी की लाइन का भूमि पूजन करवाया और कहा कि ग्वालियर में लगभग पानी की समस्या को दूर किया जा चुका है, जो काम बाकी है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर इंदिरा नगर स्थित व्यास गली में जनता की समस्या के निराकरण के लिए घर घर जाकर उनसे मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्वालियर में गंदे पानी की समस्या को दूर करने के लिए लगभग 5,31,00,000 की स्वीकृति दिलाई गई है। उन्होंने कहा यहाँ जो जर्जर पाइपलाइन है उसको बदलने का कार्य होगा, गंदे पानी की समस्या को लगभग 80% तक हल कर दिया जाएगा, सीवेज की समस्या को भी हल किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों को समस्या का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। हमारे इस शहर में जहाँ जहाँ कुछ पॉइंटों पे गंदे पानी की समस्या है, उन जगहों के लिए 5,31,00,000 के लगभग नई पाइप लाइन, पुरानी थी, जर्जर थी, उनको बदलने की स्वीकृति दिलाई है। और गंदे पानी के, जो ग्वालियर में गंदे पानी की समस्या थी, लगभग 80% हल हुई है। कुछ परसेंटेज रह गए हैं, उन पॉइंटों को भी ठीक करने का काम शुरू ग्वालियर में हो गया है और जल्दी ही हम लोग गंदे पानी के जो पॉइंट चिन्हित हैं उनको ठीक कर पाएंगे। देखिए पानी की लाइन के साथ सीवर लाइन भी बदलने के निर्देश दिए, वो भी काम चालू है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।